दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल एडी रूट्स में एक बार फिर से। और आज यहाँ पर हम करने वाले हैं जी कैम टेस्ट किसका, रियलमी नार्जो 30A का। तो दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले मैं बता दूँ, 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलता है, साथ में एक आपको 2 मेगापिक्सल का सेंसर प्रोवाइड किया गया है और 8 मेगापिक्सल की आपको यहाँ पर सेल्फी देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले बात कर देते हैं यूज़र इंटरफेस की कि कैसा जी कैम का यूज़र इंटरफेस रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो नाइट मोड आपको इसमें प्रोवाइड किया गया है, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो नेक्स्ट पोर्ट्रेट मोड है, उसके बाद यहाँ पर कैमरा मोड है जिसमें आपकी सिंपली फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों वीडियो मोड भी प्रोवाइड किया गया है। और मोर में दोस्तों देखें तो गूगल लेंस की यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिल जाती है, पैरानोमा है, उसके बाद दोस्तों स्लो मोशन की भी यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगी। बात करें दोस्तों सबसे पहले डायनामिक रेंज की, तो जो रियलमी नार्जो 30A है उसकी डायनामिक रेंज उतनी अच्छी दोस्तों थी नहीं, लेकिन अगर जी कैम आप यूज़ करोगे तो काफ़ी सही डायनामिक रेंज आपको देखने को मिल जाएगी। तो भाई जी कैम आप यहाँ पर डाउनलोड करिए और काफ़ी अच्छा फ़ायदा आप उठा सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो नॉर्मल ऐप से जो मैंने फ़ोटो क्लिक की है उससे कितना डिफरेंस है जी कैम में। तो पूरा दोस्तों स्काई आपका कलर दिख रहा है, स्काई का कलर क्या है, तो आप दोस्तों ज़रूर यहाँ पर यूज़ करिए इसको। उसके बाद बोके इफ़ेक्ट की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो बोके इफ़ेक्ट देख सकते हैं आप कितना नेचुरल निकल कर आता है अगर जी कैम आप यहाँ पर यूज़ करते हो। बाकी अगर सिंपल यूज़ करोगे तो इतना नेचुरल बोके इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी दोस्तों अगर मैं बात करूँ ऑब्जेक्ट के कि कैसा फोकस रहता है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं क्लियरली कि जो फोकस है ऑब्जेक्ट पे वो भी यहाँ पर जी कैम का बेटर निकल कर आता है, और जो असली कैमरा होता है किसी भी डिवाइस का वो उतना यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाता है। ऑप्टिमाइजेशन का दोस्तों खेल ये सारा निकल कर आएगा। बात करें यहाँ पर स्लो मोशन की, तो स्लो मोशन वीडियो में दोस्तों अगर आप जी कैम यूज़ ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि बिल्कुल अटकते हुए यहाँ पर वीडियो बन रही है। अब मुझे ये पता नहीं लग पाया कि ये इतनी अटक क्यों रही है, शायद से दोस्तों ये फीचर अभी थोड़ा ढंग से सपोर्ट नहीं करता होगा। तो बाकी इसमें सारे चलते हैं दोस्तों, नाइट मोड वगैरह सब कुछ चलता है, बस ये यहाँ पर नहीं चलता है स्लो मोशन वाला। तो उसके लिए नॉर्मली आप कैमरा का UI यूज़ कर सकते हो और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी इसमें बात करें पैरानोमा की, तो सबसे अच्छा दोस्तों मुझे यही लगा है जी कैम में, आप यहां पर देख सकते हो कितना अच्छा है। इसके बाद मैं थोड़ी आपको और बेटर इमेज दिखाऊंगा पैरानोमा की, पहले ये देख लीजिए इसमें डायनेमिक रेंज कितनी सही निकल कर आई है। तो आप पैरानोमा से दोस्तों इस तरीके की यहां पर फ़ोटोज़ निकाल सकते हो जो कि काफ़ी काम में दोस्तों आती है। अगर आपको किसी की मतलब आप पहाड़ों पर घूमने गए हो तो वहाँ पर आपको काफ़ी काम आएगा ये वाली चीज़। बाकी इसमें दोस्तों जी कैम में आपको ये 3D वाला ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, जो आपने फ़ोटो क्लिक की है उसको आप 3D में यहाँ पर देख सकते हो, तो काफ़ी अच्छी चीज़ दोस्तों मुझे लगी है। तो ये दोस्तों आप ज़रूर यूज़ कीजिए, आपको भी काफ़ी मज़ा आने वाला है इस को यूज़ करते हुए। तो मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा ये, आप दोस्तों कमेंट में ज़रूर कर लिखना कि आपको कैसा लगा। बात करते हैं दोस्तों उसके बाद अगर इसमें सेल्फ़ी वगैरह की, तो सेल्फ़ी में दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि 8 मेगापिक्सल की सेल्फ़ी आपको देखने को मिलेगी, तो उतना एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। लेकिन फिर भी दोस्तों यार 8 मेगापिक्सल की सेल्फ़ी के साथ जी कैम ने काफ़ी यहां पर इम्प्रूवमेंट दिखाई है फ़ोन के कैमरा में। आप देख सकते हैं जो नॉर्मल शॉट है वो कितना यहाँ पर मतलब विदाउट डिटेल्स से आया था, लेकिन जी कैम में थोड़ी बहुत डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती है। तो भाई जी कैम से यहाँ पर फ़ायदा ही होता है। बाकी ये भी नॉर्मल शॉट है नॉर्मल कैमरे का, तो इसमें आप देख सकते हैं जो बैकग्राउंड है यार उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सन ने मतलब पूरा वाइट ही कर दिया, लेकिन अगर जी कैम में आप देखोगे तो जी कैम काफ़ी अच्छी यहाँ पर फ़ोटोज़ निकाल कर देता है, बिल्कुल ओरिजिनल आपको लगेगा कि बिल्कुल ओरिजिनल यहाँ पर फ़ोटो निकल कर आई है। तो दोस्तों जी कैम का मैं लिंक यहाँ पर दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और दोस्तों अगर नहीं दूंगा तो आप कमेंट में कर लेना रिप्लाई मेरे को, मैं वहां पर दे दूंगा। बाकी नाइट मोड भी दोस्तों काफ़ी अच्छे से वर्क करता है रियलमी नार्जो 30A में, और दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो राइट साइड में नॉर्मल शॉट है और लेफ्ट साइड में यहां पर नाइट मोड है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक करिए चैनल को।